हेलो गाइस, वेलकम टू दिस मंडे न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे डीसी मार्वल से रिलेटेड काफ़ी कमाल के अपडेट के बारे में। बात करेंगे कुछ एस्ट अपडेट के बारे में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले बात करना चाहूँगा जोकर के ट्रेलर के बारे में, जो कल रात 9:30 बजे रिलीज हुआ। इस ट्रेलर को देखने के बाद मुझे एक ही चीज़ नोटिस करने को मिली, वो थी जोकर का इमोशनल। वो काफ़ी ज़्यादा दुखी था। अब वो रीज़न क्या है, तो काफ़ी लोग बताते हैं कि जोकर अपनी माँ के लिए काफ़ी ज़्यादा दुखी है, या वो अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाया है, या खुद से कुछ ऐसा मिल गया है जिससे कि वो कभी मतलब खुशी नहीं रह सकता। तो उसे वो एक नाटक कर रहा है हंसने का। अगर वो हंस भी रहा है तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल दुखी है अंदर से। देन जोकर के साथ ही साथ हाल ही में कुछ पोस्टर लॉन्च हुए जिसमें कि उसका इमोशनल काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। वो इतना ज़्यादा दर्द महसूस कर रहा है अपनी बॉडी में जो वो किसी को बयान नहीं कर सकता, पर वो उस चीज़ को छुपाने के लिए हंसता रहता है। तो जोकर की जो नोटिस करने वाली बात थी वो ये थी। और देन मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर ये मूवी हिंदी में रिलीज़ नहीं होती तो आप जाके ज़रूर देखें, क्योंकि ये मूवी कुछ हमें अलग दिखाने वाली है जोकर के ओरिजिन में। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ट्रेलर देखने के बाद लग रहा है कि मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। उसी के साथ जब ट्रेलर लॉन्च हुआ जोकर का, तो अभी हाल ही में छोटा सा एक ईस्टर एग पता चला कि बैटमैन के जो फादर और मदर की मौत हुई थी, तो जोकर का कोई टीम मेंबर था जिसने उन्हें लूटने की कोशिश करी गली में। तो शायद पॉसिबली हो सकता है एंजेला जोली ने फाइनली स्टार वॉर सीरीज को ज्वाइन करने की बात कर रही हैं। उन्होंने अभी एनटीवी अवार्ड में एक छोटा सा एक इंटरव्यू दिया। हार्ली क्विन का एक नया लुक नज़र आया है काफ़ी कमाल का, जो कि उनकी अपकमिंग मूवी बर्ड्स ऑफ पेरी के लिए, तो काफ़ी कलरफुल और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसी के साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आर्ट में पता चला कि एक ऐसा सीन था आंट मे और पीटर पार्कर का, जिसमें कि वो एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जिससे कि पीटर पार्कर के स्पाइडी सेंस पता चले, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसी के साथ सैगी का ऑफिशियली लुक नज़र आया है, जो कि एक कंप्यूटर एनिमेशन 3D मूवी है स्कूबी डूबी की। तो मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ उस मूवी का, लुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके साथ शॉ मूवी की जो रिबूट हो रही थी पूरी सीरीज़, ये मूवी फिनिश हो चुकी है, इसकी शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी है, और सभी को इंतजार है इस मूवी का। तो काफ़ी खतरनाक दर्दनाक मूवी होती है। इसी से एक इमेज काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है टॉम हॉलैंड की रैन की, जिसपे कि रैन की टी शर्ट पर लिख रहा है आई लव यू 3000 टॉम हॉलैंड, तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। देन इसी के साथ शज़ैम 2 में शज़ैम का कॉस्ट्यूम चेंज कर दिया जाएगा, थोड़ा अपग्रेड कर दिया जाएगा, जो कि काफ़ी देखने लायक होगा। और इसकी वीडियो मैंने अपने टेलीग्राम पर भी डाली, जो कि डायरेक्टर ने खुद कन्फर्म करा है। डेव बटिस्टा पॉसिबली वो रोल प्ले कर सकते हैं बैटमैन मूवी में नॉटबैन का, जो कि काफ़ी खतरनाक विलेन है, जो कि डार्क नाइट में भी था। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रील में आपको ये वीडियो पसंद आता तो भी लाइक में शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखे हो, या तो उस पर स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय, जा रहा हूं।